बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं नहायत ही मोहतरम व्यूअर्स, आज जो चीज़ मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो नहायत ही आम और नहायत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन के ऊपर भी पूछा और व्हाट्सएप पे भी पूछा और कमेंट्स में भी पूछा कि जब चोर चोरी कर लेता है तो हमें कैसे मालूम हो जाएगा कि हमारा ये चोर है। तो आज मैं आपको एक नहायत ही आम वजीफा बताने जा रहा हूँ जिससे आपको घर बैठे चोर के बारे में पता चल गया। ऐसा मुबारक वजीफ़ा, आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको कोई भी आपके अगर चोरी करता है तो आपको घर बैठे उसके बारे में मालूम हासिल हो जाए। तो दोस्तों आइए अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हमें सबसे पहले करना ये है कि हम सबसे पहले जब हमारे किसी ने चोरी कर ली है हम वजू कर लिए। वजू करने के बाद दूसरा अमल ये है कि हम 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। ये दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ने के बाद ये जो आपको नक्शा जो है ये स्क्रीन में नज़र आ रहा है, नक्शा जो आप स्क्रीन के ऊपर अभी शो कर दिया जगह नज़र आ रहा है, तो इसी नक्शे को आपने कागज़ पे लिख लेना। कागज़ पे लिखने के बाद आपने अब ये काम करना है कि इसको पानी में घोल देना। पानी में घोल कर जिन अजरात के ऊपर आपको शक है उनको आपने वो पानी पिला देना। अब होगा ये कि 7 दिन के अंदर अंदर ही जिस शख्स ने आपको चोरी आपकी चोरी की है वो सख्त बीमार हो जाएगा, परेशान होगे, बीमारी की वजह से मजबूर होगे आगे आपके सामने अपनी चोरी का एतराफ़ कर लेगा, या उसके दिल में ऐसी घबराहट पैदा हो जाएगी, अल्लाह ऐसी घबराहट पैदा कर देंगे कि वो मजबूर हो जाएगा अपनी चोरी के एतराफ़ करने पर। तो आप जब ये काम कर लेंगे तो 7 दिन के अंदर अंदर आपका चोर आपको ख़ुद आके बता देगा कि मैंने आपकी चोरी की है। अल्लाह हाफिज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो इसको आप आगे भी इसको शेयर करें ताकि किसी एक को भी अगर फ़ायदा हो गया तो इसको इसका आपको दुनिया आखिरत में आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।